सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको YouTube के एक नए अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। हालांकि दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये बैड अपडेट है। मुझे तो बहुत ज्यादा घटिया अपडेट ये लगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर है ना, तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि यूट्यूब पर कब क्या चेंज हो रहा है या फिर यूट्यूब पर कब क्या अपडेट आ रहा है, या तो वो घटिया अपडेट हो या फिर वो बढ़िया अपडेट हो। लेकिन एक YouTube क्रिएटर को तो सभी YouTube पर होने वाले नए नए सभी अपडेट या फिर नए फीचर की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों, समय समय पर जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको जैसे ही YouTube पर कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको देते भी रहते हैं। दोस्तों, फिर से वही, आज के इस वीडियो में आपको एक नए अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, आप या तो YouTube यूजर्स हैं या फिर आप YouTube क्रिएटर हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखना और इस अपडेट के बारे में समझने के बाद मुझे अपना ओपिनियन जरूर देना, यानी कि आप मुझे ये जरूर बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। तो दोस्तों, आखिर क्या है अपडेट, उसके बारे में जान लेते हैं। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, प्लीज देखिए, आपके लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। आपको YouTube पर जब भी कोई चेंज होता है, जब भी कोई नया अपडेट आता है, हम सभी की जानकारी आपको देते हैं, आप ही के लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों। उस सभी को देखते हुए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही दोस्तों, मैं चाहूंगा, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आपको इसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको बेल आइकन मिल जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों देखिए, ये जो लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑडियंस के लिए। फ्रेंड्स, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें इससे बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है और हम नए नए कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर अपडेट है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। और आप साइड में देखते रहना, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको लगाकर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, आप साइड में देखते रहना, देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल को ओपन कर लिया और आप मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। और समझ भी लेना दोस्तों साथ ही, देखिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब तो ओपन कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ फाइनली सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक वीडियो को प्ले किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना, और आपने देखा भी होगा, या तो आप क्रिएटर हैं या फिर आप यूट्यूब यूजर्स हैं, तब भी आप यूट्यूब का यूज तो करते ही होंगे, तो आपने देखा होगा जब आप किसी भी क्रिएटर का कोई वीडियो देखते हैं और जैसे इस वीडियो को प्ले कर देते हैं ना, तो उस वीडियो के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उस क्रिएटर के चैनल का नाम आता है, ठीक है। और चैनल के नाम के साथ ही उस चैनल के आगे सब्सक्राइब बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। देखिए, भले ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है यूट्यूब इसे चेंज करने वाला हो कुछ डिवाइस के अंदर, तो ये जो सब्सक्राइब बटन है ना, ये रेड कलर में शो हो रहा है, लेकिन कुछ डिवाइस के अंदर ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन चैनल के आगे सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिलता है, आप ये भी देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या था, यदि आपको किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप यहीं सीधे चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करके, और यहीं पर आपको बेल आइकन नजर आ जाता था, आप उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ओके कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या था कि उस चैनल के नाम के आगे सब्सक्राइब बटन फिर भी दिखता रहता था। मान लीजिएगा आपको उस चैनल को अनसब्सक्राइब करना होता कभी, तो आप उसी सब्सक्राइब बटन पर दोबारा से क्लिक कर दिया करते थे, तो वो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाया करता था, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए पहला क्लिक और अनसब्सक्राइब करना होता था तो दूसरा क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ध्यान से देखना। देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ये मैंने एक वीडियो प्ले की हुई है, उनका ये चैनल है रियल हिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आगे आपको सब्सक्राइब बटन मिल रहा है, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, यानी कि सब्सक्राइब करता हूँ, मैंने सब्सक्राइब बटन क्लिक किया, तो यहाँ से आप देखेंगे वीडियो में आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, कहीं सब्सक्राइब बटन जो है ना बिल्कुल हाइड हो चुका है, यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ पर सब्सक्राइब बटन इस चैनल पर नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके सामने आपको बेल आइकन नजर आ जाएगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऑल नोटिफिकेशन वाला या फिर पर्सनलाइज वाला या फिर आपको नन रखना है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं कुछ पर भी, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, अब आप यहाँ पर देखना, फिर से बैक होकर वहीं पर आगे क्लिक कर दिया हमने ऑल नोटिफिकेशन, तो देखिए अब यहाँ पर हमें चैनल का नाम तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब बटन गायब हो चुका है, सब्सक्राइब बटन नहीं आ पा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर YouTube ने सब्सक्राइब बटन यहीं से गायब किया है। अब देखिए, आपको ये सब्सक्राइब बटन फिर से देखना है, या फिर मान लीजिएगा आपको ये चैनल अनसब्सक्राइब करना भी हुआ, तो आप क्या करेंगे, आपको या तो इसके सीधे चैनल के नाम पर क्लिक करके इस चैनल पर विजिट करना होगा, ठीक है। आप इस चैनल पर विजिट करेंगे तब आपको सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके, और आपको देखिए ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे, आपको नीचे अनसब्सक्राइब लिखा मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब ये अनसब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है। जैसे ही अनसब्सक्राइब हुआ, अब हम ठीक है यहीं से बैक चलते हैं, हम जैसे ही बैक गए, तो अब आप देखेंगे इसी चैनल पर आपको फिर से सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप मान लीजिएगा इसे फिर से सब्सक्राइब करते हैं तो फिर से गायब हो जाएगा, और यहीं से आपको अनसब्सक्राइब भी करना है ना, तो आप बेल आइकन वाले इस पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद
आपको सबसे नीचे अनसब्सक्राइब वाला बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये अनसब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि दोस्तों यही सारा फंडा है। मैं आपको समझा दूं, पहले क्या था, आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं उसका चैनल आपके सामने आएगा, सब्सक्राइब बटन भी आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे और नोटिफिकेशन पर कर देंगे, तब भी आपको सब्सक्राइब बटन दिखता रहता था। लेकिन अब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, जो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका जो सब्सक्राइब बटन है आपको शो नहीं होगा। जिस किसी भी ऑडियंस ने किसी भी क्रिएटर का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो उसके सामने उस चैनल पर सब्सक्राइब बटन उसको नहीं दिखेगा यूट्यूब पर। यदि उसने अनसब्सक्राइब किया हुआ है या फिर पहले से ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तब उस चैनल का दिखेगा, जिसका वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वहां से गायब हो जाएगा। यदि उस ऑडियंस को या फिर उस यूट्यूब यूजर्स को उसे अनसब्सक्राइब करना है तो वो चैनल पर विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर बेल आइकन पर क्लिक करके वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा अनसब्सक्राइब वाला, उस पर भी क्लिक करके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही अनसब्सक्राइब कर देंगे तो वो सब्सक्राइब वाला बटन फिर से उस चैनल पर शो होने लग जाएगा। दोस्तों यही था अपडेट, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।